नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ जो लखनऊ से सामने आ रही है। शिवपाल यादव से जुड़ी बड़ी खबर, आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने कहा है कि विपक्ष की सरकार बनेगी। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर शिवपाल यादव ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व के फैसले का स्वागत करेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2014 से 2019 तक मुलायम सिंह आजमगढ़ से सांसद थे। अखिलेश यादव भी आजमगढ़ से लड़ चुके हैं लोकसभा चुनाव। तो वहीं आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है जहां आजमगढ़ से शिवपाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं। तो सपा महासचिव शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी इसको लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। आपको बता दें, आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है। यहां से पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव 2014 से 2019 तक सांसद रहे। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां से लोकसभा का चुनाव जीता। उनके इस्तीफा देने के बाद हुए उपचुनाव में यहां से भाजपा के दिनेश लाल यादव निहुरा ने जीत दर्ज की। वहीं अब आजमगढ़ समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव को चुनाव लड़वाना चाहती है। इसको लेकर बड़ी खबर जानकारी सामने निकल गई है। अखिलेश यादव भी आपको बता दें आजमगढ़ से चुनाव लड़ चुके हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है जहां शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। शिवपाल यादव ने कहा कि विपक्ष की सरकार बनेगी लोकसभा चुनाव में, जिसको लेकर उन्होंने बड़ा इशारा किया है कि शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें 2014 से 2019 तक मुलायम सिंह आजमगढ़ से सांसद रहे थे। उसके बाद अखिलेश यादव भी आजमगढ़ से चुनाव लड़ चुके हैं। तो शिवपाल यादव ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वो माना जाएगा। उन्होंने आलाकमान पर छोड़ दिया है कि आजमगढ़ को लेकर जो भी आलाकमान कहेगी उसका वो आदर करेंगे। तो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल यादव, अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें सपा का गढ़ माना जाता है आजमगढ़। यहां से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। तो आपको बता दें इस व्यक्ति अहम खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं कि आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं शिवपाल यादव। सपा का गढ़ माना जाता है आजमगढ़। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां से शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। सपा महासचिव शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। 2014 से 2019 तक मुलायम सिंह आजमगढ़ से सांसद रहे थे। इसके बाद अखिलेश यादव भी यहां से सांसद रह चुके हैं। वहीं अब खबर निकल के सामने आ रही है कि आजमगढ़ से शिवपाल यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। प्रियम, आखिरकार आजमगढ़ में चुनावों को लेकर क्या समाजवादी पार्टी आलाकमान, आपको मेरी आवाज आ रही है प्रियम? बिल्कुल जी। प्रियम, क्या सपा के आलाकमान मुलायम सिंह के आजमगढ़ का गढ़ माना जाता है, वहां पे अखिलेश यादव भी यहां से सांसद रह चुके हैं, तो क्या यहाँ पे समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव को जिम्मेदारी सौंप सकती है? समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और पारंपरिक सीट के तौर पर हमेशा वो देखी जाती रही है। लंबे समय तक वहां से मुलायम सिंह ने भी कई बार चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव 2019 के चुनाव में आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, लेकिन चूंकि उनको विधानसभा में यूपी की आना था और वहां पर उन्होंने फैसला किया कि वो पार्टी का नेतृत्व करेंगे, इसलिए उनको सदस्यता को छोड़ना पड़ा था। उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में बीजेपी ने अपने कुशल नेतृत्व और कुशल रणनीति के दम पर वहां पर जीत हासिल करी और वहां से उनके जो प्रत्याशी थे निरहुआ, उनको जीत हासिल हुई। अब कहीं ना कहीं एक बड़ा कह सकते हैं, जब दोबारा फिर परीक्षा की घड़ी आ रही है, चुनाव की घड़ी आ रही है, जनता के बीच में जाना है, तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज समाजवादी पार्टी के लिए है कि उस पारंपरिक सीट को वापस कैसे अपने खेमे में किया जाए, कैसे उस पर अपना कब्जा जमाया जाए। और उसी के चलते कह सकते हैं कि लगातार इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है।
लगातार इस बात को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे चीजों को बेहतर किया जाए। और वहां पर अब जो जानकारी मिली, क्योंकि समाजवादी पार्टी में अगर आप देखें तो शिवपाल यादव बड़े कद के नेता रहे हैं और एक समय पर पार्टी के अंदर उनका एक बड़ा हस्तक्षेप होता था, बड़े जो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते रहे। तो ऐसे में आजमगढ़ से वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को उसका फायदा मिल सकता है और इस बात को पार्टी जो है वो बाखूबी जानती है और इसीलिए जो जानकारी है उसके मुताबिक जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव को बतौर प्रत्याशी के तौर पर नियुक्त कर सकती है, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली जो मैनपुरी के अंदर उपचुनाव हुए उसमें अखिलेश यादव की तरफ से जो है शिवपाल यादव साथ में गए, वहां पर दोनों ने मिलकर प्रचार प्रसार किया और उसका बेहतरीन परिणाम जो थे वो समाजवादी पार्टी को देखने को मिले और उसके बाद से शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी के साथ में करीबियां बढ़ी, जो दूरियां बढ़ी हुई थी उनको कम किया गया। जिस तरीके से कहा जाता था कि चाचा का अनादर किया जा रहा है, अखिलेश यादव उनको वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जो उनको पार्टी मिलना चाहिए था, तो वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दिया। अखिलेश यादव ने भी बाकायदा शिवपाल यादव के साथ में कैंपेनिंग करी मैनपुरी के अंदर, 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर के साथ में वहां से डिंपल यादव जो थी वो चुनाव जीती। तो अब माना जा रहा है कि शिवपाल यादव की भी पार्टी में वापसी हुई है और ऐसे में जब शिवपाल यादव की करीबियां समाजवादी पार्टी से एक बार फिर बढ़ी हैं तो आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी के लिए एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सीट है, एक अहम सीट है, तो वहां से शिवपाल यादव को जो है चुनाव लाया जा सकता है। जिस तरीके से चुनाव से पहले अभी अब देखें बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है, शिवपाल यादव ने जिस तरीके से वहां पर पहुंचकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि 9 साल में बीजेपी की सरकार में कोई भी काम नहीं हुआ है, 5 काम कोई भी पार्टी के पास गिनाने के लिए नहीं है, आजमगढ़ के अंदर जो विकास हुआ है वो केवल समाजवादी पार्टी ने किया था, सरकार में रहते हुए भी अब जब यहाँ से सांसद हैं बीजेपी के तब भी कोई ऐसे 5 काम नहीं है जो वहाँ पर गिनाए जा सके। तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ के अंदर सियासी जमीन को कह सकते हैं टटोलते हुए नजर आए हैं शिवपाल यादव और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा 2024 का उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आजमगढ़ से शिवपाल यादव जो है वो मैदान में उतर सकते हैं, पार्टी उनको वहां से उतार सकती है क्योंकि महत्वपूर्ण सीट है समाजवादी पार्टी के लिए और वो केवल एक नंबर ऑफ सीट नहीं है, एक मैसेज होगा बाकी सीट्स के लिए भी, वो एक मैसेज होगा कि समाजवादी पार्टी की जो पारंपरिक सीटें थी वो बरकरार हैं। हालांकि जरूर पिछले जो चुनाव हुए हैं बाई इलेक्शन हुए हैं उनमें बीजेपी ने इस मिथ्या को तोड़ा है, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो मैनपुरी हो, कई जगह पर जहां पर भी उपचुनाव हुए हैं जो गढ़ समाजवादी पार्टी के कहे जाते रहे हैं, जो किले कहे जाते रहे उन किलों को भेदने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कामयाब रही है। अब देखना होगा जब एक बार फिर परीक्षा की घड़ी, चुनाव की घड़ी आ रही है, जनता के बीच में फिर से सभी राजनीतिक दलों को और उनके प्रत्याशियों को पहुंचना है तो क्या समीकरणों को अपनाया जाएगा, किन समीकरणों के आधार पर जो है वो प्रत्याशी को उतारा जाएगा, इन सभी चीजों को लेकर पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है, लगातार कवायद की जा रही है और हर एक चीज को लेकर विश्लेषण किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है कि कैसे एक कुशल नेतृत्व के साथ में, कुशल रणनीति के साथ में मैदान में उतरा जाए ताकि साफ तौर पर उसका फायदा पार्टी को मिले। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 के चुनाव में जिस तरीके से आजमगढ़ में पहुंच के शिवपाल यादव का बयान आया है कि वहां से बतौर प्रत्याशी के तौर पर जो है शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। प्रिय, आखिरकार अगर शिवपाल यादव को चुनावी लड़ाते हैं तो बीजेपी को इससे कितना फायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए, साफ तौर पर इससे नुकसान होना है, बीजेपी को फायदे का कोई सवाल नहीं है क्योंकि शिवपाल यादव एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। जिस समय मुलायम सिंह यादव पार्टी का नेतृत्व करते थे उस समय काफी जो दखल था पार्टी के अंदर वो शिवपाल यादव का हुआ करता था, लेकिन जब 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के अंदर आपसी कलह देखने को मिली और चाचा भतीजे अलग हुए उसके बाद से लगातार उनकी जो है उनको इग्नोर किया जा रहा था शिवपाल यादव को, और लंबे समय से इस बात को लेकर मांग भी हो रही थी कि शिवपाल यादव को पार्टी में वापस किया जाए, उनका सम्मान वापस किया जाए और उनको वो सम्मान दिया जाए जिसके वो हकदार हैं, चूंकि बड़े और वरिष्ठ नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी के अंदर वो रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि जब मैनपुरी का भी उपचुनाव देखने को मिला तो वो करीबियां बढ़ी और अब माना जा रहा है कि अगर शिवपाल यादव वहां से उतरते हैं तो एक बड़ा जनाधार उनके साथ में है, लोग उनको अपने बीच में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और बड़े नेता के तौर पर उनको वो देखते हैं, पार्टी के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक है वो। तो ऐसे में पार्टी चाहेगी कि उस सीट से उसी प्रत्याशी को उतारा जाए आजमगढ़ से जहां पर उसकी जीत 100% सुनिश्चित हो, और उसके लिए शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। प्रियम, फायदे की बात मैंने इसलिए की क्योंकि चाचा भतीजे की लड़ाई पर बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हुई अक्सर नजर आती है।
बिल्कुल देखिए, जो लड़ाई थी उसमें जरूर जाहिर सी बात है उसका बीजेपी को फायदा भी मिला 2017 के चुनाव में हमको देखने को मिला, इसके अलावा अन्य जो चुनाव हुए उनमें देखने को मिला। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो पिछला उपचुनाव था मैनपुरी का चुनाव था और उसमें समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी, क्योंकि वो सीट से नेता यानी कि मुलायम सिंह यादव जो थे वो सांसद हुआ करते थे। ऐसे में अगर उस सीट को समाजवादी पार्टी लूज करती तो वो एक बड़ा मैसेज होता पूरे पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, पूरे स्टेट के अंदर। और ऐसे में वो केवल एक नंबर ऑफ सीट नहीं थी। तो उसके बाद अखिलेश यादव शिवपाल यादव के पास गए, उन्होंने जिस तरीके से उनको मनाया और फिर दोनों ने मिलकर जिस तरीके से प्रचार प्रसार उस सीट पर किया तो उसका नतीजा देखने को मिला कि एक बड़े अंतर के साथ में समाजवादी पार्टी ने वहां पर जीत हासिल करी। हालांकि उस सीट पर जीतने के लिए बीजेपी ने भी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया, मुख्यमंत्री से लेकर सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जो संगठन के थे उन्होंने वहां पर जाकर प्रचार प्रसार किया। लेकिन जो नतीजे थे वो बीजेपी के पक्ष में वहां पर नहीं आए, समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई। और इसीलिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शिवपाल यादव अगर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ में मजबूती के साथ में मैदान में उतरते हैं तो उसका साफ तौर पर फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। बड़ा यादव कुनबा एक है जिसमें शिवपाल यादव बैठ रखते हैं, अपनी उनकी पहुंच है, लोग उनको चाहते हैं अपने बीच में, बतौर नेता के तौर पर भी उनको पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उनको मौका पार्टी देती है तो उसका साफ तौर पर पार्टी को भी ये जानकारी है कि उसका फायदा जो है वो पार्टी को चुनाव में मिलेगा। प्रियम, पिछली बार जो चुनाव हुए थे उससे उसमें सपा को हार मिली थी, तो उसके बाद आखिरकार इस बार शिवपाल यादव को अगर सत्ता मतलब संभाली जाती है, उन्हें कमान दी जाती है, अगर उनको उतारा जाता है मैदान में, तो उसको लेकर उन पे क्या क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है और उसमें किन मुद्दों पर उन पर जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, अगर बात करें चुनावी विश्लेषण की तो 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वहां से अखिलेश यादव मैदान में उतरे थे और उन्होंने बड़े अंतर के साथ में जीत हासिल करी थी। 2019 में जीत हासिल करने के बाद जब 2022 के विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने विधानसभा के अंदर जाने का फैसला किया और इसलिए उनको उस सीट को छोड़ना पड़ा था और उसके बाद उस सीट पर उपचुनाव हुए। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को बतौर प्रत्याशी के तौर पर जो था आजमगढ़ से मैदान में उतारा। और विपक्ष की तरफ से अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से जो दिनेश लाल नेहरुआ है उनको मैदान में उतारा गया और बड़े अंतर के साथ में दिनेश लाल नेहरुआ जो थे वो जीते थे, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से वहां पे रणनीति को बनाया, जिस तरीके से वहां पे समीकरणों को साधने का प्रयास किया तो वो वहां पे जीत हासिल हुई। और वो जीत केवल एक नंबर ऑफ सीट नहीं थी कि एक सीट वो जीते, वो एक मैसेज था कि आजमगढ़ जैसा जो किला कहा जाता रहा समाजवादी पार्टी का, बीजेपी अपनी रणनीति के साथ में उसको भेज सकती है और कोई भी ऐसी सीट नहीं है जिस पर विपक्ष इस बात का दावा कर सके कि वो सीट उसकी है और उसकी जीत वहां से 100% सुनिश्चित है। और इसीलिए अब इस बात को लेकर पार्टी भी रणनीति बना रही है, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव के जो नतीजे आए थे क्या वो रिपीट होंगे? अगर वो रिपीट होंगे तो उससे एक बड़ा नुकसान होगा और इसे में पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो चुनावी परिणाम जो है वो दोहराए जाएं। और इसीलिए वहां पर कुशल नेतृत्व के साथ में एक ऐसे नेता, एक ऐसे प्रत्याशी के तौर पर मैदान में पार्टी शख्स को उतारना चाहेगी जिसकी जीत जो है 100% सुनिश्चित हो या फिर लगभग सुनिश्चित हो। और ऐसे में शिवपाल यादव खुद एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर केवल कयास है, क्योंकि आजमगढ़ से अखिलेश यादव 2019 में लड़े थे तो वो भी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अभी जो है इस बात को लेकर जो पार्टी के अंदर चर्चा चल रही है कि शायद शिवपाल यादव को भी वहां से मैदान में उतारा जा सकता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रेम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुक करते हैं अगली खबर का। मॉब लिंचिंग पर सफीक रहमान वर्ग का बयान, मुसलमानों के साथ भी लव जिहाद, धर्मांतर और मॉब लिंचिंग, बीजेपी सरकार ने मॉब लिंचिंग की शक्ल बदल दी है। सफीक रहमान का बड़ा बयान सामने आया है। संभल में मॉब लिंचिंग पर सफीक रहमान ने बड़ा बयान दिया है और उन्हें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के साथ भी लव जिहाद, धर्मांतर और मॉब लिंचिंग होती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने मॉब लिंचिंग की शक्ल बदल दी है। तो संभल में मॉब लिंचिंग पर सफीकुर रहमान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के साथ भी लव जिहाद, धर्मांतर और मॉब लिंचिंग होती है, बीजेपी सरकार ने मॉब लिंचिंग की शक्ल बदल दी है। तो संभल में मॉब लिंचिंग पर सफीकुर रहमान वर्ग का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद और धर्मांतरण और मॉब लिंचिंग को लेकर मुसलमानों के साथ भी मॉब लिंचिंग होती है, बीजेपी सरकार ने मॉब लिंचिंग की शक्ल बदल दी है। सफीकुर रहमान ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मॉब लिंचिंग पर उन्होंने कहा है कि मुसलमानों और धर्मांतरण और लव जिहाद पर मॉब लिंचिंग होती है मुसलमानों के साथ, बीजेपी सरकार ने मॉब लिंचिंग की शक्ल बदल दी है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है।
तो मुसलमानों को लेकर सफीकुर रहमान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग मुसलमानों के साथ भी होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने मॉब लिंचिंग की शक्ल बदल दी है। तो संभल में मॉब लिंचिंग पर सफीकुर रहमान वर्क ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ भी लव जिहाद, धर्मांतरण और मॉब लिंचिंग होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने मॉब लिंचिंग की शक्ल बदल दी है। शक्ल बदल दी हो मॉब लिंचिंग रहा, मुसलमानों के साथ बताओ कौन सा मॉब लिंचिंग रही हुआ, कौन सी घटनाएं नहीं हुई, उनकी बेटियां पकड़ी या के साथ नाजायज सुलूक हुआ। और हम तो कहते हैं बेटी चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, किसी की भी हो, दलित की हो, वो हमारी बेटी है। हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी इज्जत की हिफाजत करें और उसके लिए ऐसा माहौल बनाए कि जिससे कि देश के अंदर बहरहाल बेइज्जती न हो। उधर लखनऊ में लोगों की जान से खिलवाड़ करते डंपर नजर आ रहे हैं। रात के समय मिट्टी खनन कर सड़कों पर दौड़ रहे डंपर हादसों को दावत दे रहे हैं। दरअसल गौरवपल्ली थाना इलाके में स्थित 10 नंबर चौराहे पर डंपर से सड़क पर गिर रही मिट्टी से लोग रात के अंधेरे में हादसे का शिकार हो रहे हैं। इस दौरान माँ बाप के साथ एक मासूम हादसे का शिकार हो गया। वहीं इस मामले पर कोई जिम्मेदार इसकी सुध नहीं ले रहा है। यहां से नीचे तक सुनो, तुम लोग मिट्टी गिराते हो, निकले हो ना बेटा, जो है ना, रुको, इसका नंबर ले, नंबर तक नहीं लिखा डंपर में, देखिए। वहीं रायबरेली के इंदिरा गार्डन में दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। बता दें कि दबंगों ने सब्जी लेने आए युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद दबंगों ने युवक को घायल अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गए। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में पहुंचाया, जहां युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो रायबरेली में दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जहां युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। रायबरेली में दबंगों के सामने खाकी नतमस्तक दिखी। जी हां, दरअसल गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर ट्रक चालक और बाइक सवार युवक के बीच विवाद हुआ, जिससे पुलिस की मौजूदगी में घंटों बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस दौरान हुए मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। उधर अमरोहा नगर कोतवाली इलाके के मोहल्ला अक्कानी बाजार में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिससे दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना में पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं बदायूं के आलापुर में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जहां टक्कर लगने से 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। उधर गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र स्थित शिवा अपार्टमेंट में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। बेसमेंट में लगे बिजली मीटरों में ये आग शुरू हुई और पार्किंग में खड़े वाहनों से ये लपटे फ्लैट्स तक पहुंच गई। 12 फ्लैट्स में रह रहे करीब 25 लोग को सीढ़ियों से उतारकर सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इससे फ्लैट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बेसमेंट में खड़ी 2 गाड़ियां और 9 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। तो गाजियाबाद के अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। इस दौरान किसी की जानमाल की नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 2 गाड़ियां और 9 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू पा लिया। तो गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र स्थित शिवा अपार्टमेंट में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। बेसमेंट में लगे बिजली मीटरों से ये आग शुरू हुई और पार्किंग में खड़े वाहनों से ये लपटे फ्लैट्स तक जा पहुंची। 12 फ्लैट्स में रह रहे करीब 25 लोगों को सीढ़ियों से उतारकर सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और समय रहते आग पर पुलिस ने काबू पा लिया।
इससे फ्लैट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बेसमेंट में खड़ी 2 गाड़ियां और 9 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। उधर ललितपुर में एक 17 साल की लड़की की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दरअसल युवक अपने किसी रिश्तेदार के यहां आया था और घर के लिए बाइक से निकला, तभी बाइक के अनियंत्रित होने से ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है करीब 1 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल के बाहर बेसुध होकर पिता को लोगों ने संभाला। उधर संभल चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के खुर्जा गेट करौली रोड पर जहां दबंगों की गुंडई देखने को मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दबंग हाथों में पत्थर लिए गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। दबंगों की इस हरकत की वजह से अफरा तफरी मच गई। वहीं बता दें कि इन दबंगों पर आए दिन मारपीट के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन पर कार्रवाई नहीं हुई थी। तो संभल में सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी हुई, तस्वीरें में आप देख सकते हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पे दबंग एक दूसरे को मारपीट करते हुए, झगड़ा करते हुए नजर आए, पत्थर से दूसरे की पिटाई करते हुए साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। सड़क पर खुलेआम लोगों की गुंडागर्दी नजर आ रही है। फिलहाल इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उधर मिर्जापुर में शास्त्री सेतु के मरम्मत कार्य को महज 4-5 महीने में पूरे करने के निर्देश दिए गए। ये कार्य शासन से मिले 7,48,11,000 रुपए की स्वीकृति से किया जा रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने जरूरी दिशा निर्देश देते हुए बताया कि कार्य प्रारंभ के दौरान आवागमन सेतु पर जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। वहीं ऊपरी सतह में मरम्मत कार्य करते समय कुछ समय तक के लिए सेतु बंद कर दिया जाएगा। तो मिर्जापुर में गंगा नदी पर बने शास्त्री पुल की मरम्मत के लिए 4-5 महीने में काम पूरा हो जाएगा, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जल्द पूरा करने को उन्होंने आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि 4-5 महीने में इस सेतु का काम पूरा किया जाए। तो मिर्जापुर के गंगा नदी शास्त्री पुल पर बन रहे कार्य को लेकर डीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 4-5 महीने में काम पूरा किया जाए। इसके साथ ही मिर्जापुर में, लेकिन उन्होंने कहा है कि काम के जरिए पुल को बंद भी किया जाएगा। तो गंगा नदी में बने शास्त्री पुल की मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर डीएम ने 4-5 महीने में काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।